संरक्षण के लिए नरेंद्र मोदी और पद्म फूल की तरफ अपेक्षा भरी निगाहों से, सम्मान भरी निगाहों से पद्म फूल का बटन दबाकर अपनी सुरक्षा का संकल्प लेकर सरकार बनाने की होड़ में रहती है। आज जब मैं प्रताप भाई का उद्बोधन सुन रही थी, तब याद कर रही थी वो अवसर जब शिक्षा मंत्री के नाते प्रताप भाई मुझसे मिलने आते, बार बार एक ही गुहार लगाते कि दीदी पूरी इस लोकसभा क्षेत्र में स्कूलों की हालत बद से बदतर हो गई है, या तो कभी अध्यापक नहीं मिलता, टीचर नहीं मिलता, या स्कूल में दीवार नहीं मिलती, या फिर स्कूल में मिड डे मील नहीं मिलता। आज जनता के सम्मुख ये कहते हुए मुझे संकोच नहीं, क्या उड़ीसा में हालात ऐसे हो गए कि ठेकेदार न सिर्फ जनता की तिजोरी लूटते हैं, बल्कि ऐसे पापियों को तो इस बात की भी शर्म नहीं, वो स्कूल और आंगनबाड़ी से गरीब बच्चों का चावल अनाज तक लूट लेते हैं। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।